अजा एकादशी व्रत। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर व्रत का अपना महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती है। भाद्रपद माह के किशन पक्ष की एकादशी या 11वें दिन को अजा एकादशी मनाई जाती है। इस बार 10 सितंबर रविवार को अजा एकादशी पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें समर्पित व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल अजा एकादशी के दिन तो खास संयोग बनने जा रहा है। आइए जानते हैं कि अजा एकादशी व्रत के नियम क्या है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है, क्या है इसके पारण का समय। अजा एकादशी 2023 पर बन रहे ये दो शुभ संयोग। इस साल अजा एकादशी के दिन दो शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वाद्ध सिद्धि योग। रवि पुष्य योग सायकाल 5:06 से अगले दिन प्रातः 6:04 तक और सर्वार्ध सिद्धि योग सायकाल 5:06 से लेकर 11 सितंबर सुबह 6:04 तक। अजा एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से भक्तों को भूत प्रेतों के भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन अजा एकादशी व्रत कथा सुनने और व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाले लाभ के समान लाभ मिलता है। अजा एकादशी पूजा विधि। अजा एकादशी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें व्रत नियम और अनुष्ठान के साथ रखा जाता है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लें, पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लें। कुछ पूजा सामग्री जैसे फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत भोग, तेल का दीपक, तुलसी, दाल, चंदन आदि रखना ज़रूरी है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और भोग लगाएं। सुबह शाम आरती करें। अजा एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है, इसलिए इसकी व्रत कथा पढ़ें। कुछ भक्त पूरी रात जागते हैं और भगवान को समर्पित भक्ति गीत, भजन और कीर्तन करते हैं। द्वादशी के दिन सुबह गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इसके बाद फल कहकर व्रत का पारण करें। अजा एकादशी 2023 कब है? साल 2023 में अजा एकादशी व्रत 10 सितंबर रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 9 सितंबर 2023 को शाम 7:17 तक। एकादशी तिथि समाप्त 10 सितंबर 2023 को रात 9:28 पर और पारण का समय 11 सितंबर प्रातः 6:04 से प्रातः 8:33 तक। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को